हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हम अहले सफा मरदूदे हरम, जब अर्ज़े खुदा के पहले तो कल्पी रोग ने जब आप कुछ कह रहे हो तो अपनी तकरीर से हिंदुस्तान जरा मैं बहुत संजीदगी से अपनी बात रख रही बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल हम देखेंगे, हम देखेंगे। और साहब क्या घूम रहे हैं? बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो काले कानून मुल्क पर थोपने की तरफ कदम बढ़ा रही है और यही वजह है कि हुकूमत के इन इकदाम के खिलाफ अवाम गली से लेकर दिल्ली तक सराफा एहतजाज बन चुकी है। दिल्ली के शाहीन बाग के मुजाहिरीन ने आजादी के दूसरी जंग का बिगुल बजाया है और हम इन्हीं आजादी के मतवालों की आवाज में आवाज मिला रहे हैं और हर धर्म दिल्ली उजरा जनरल डायर की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। हमारा साफ माहौल है कि हम इन जालिमाना गैर मुस्लिमाना और जुल्म और जबर की बुनियाद पर सौंपे जाने वाले काले कानून को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे और अगर ये हुकूमत ने ताकत के तौर पर हम पर ये कानून लाने की कोशिश जारी ही रखी हम भी आखिरी सांस तक इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। और सुन ले मोदी तानाशाही अमित शाह, तुम जो मुल्क में बेटियों को बचाने निकले थे ना, वो तो तुमसे हुआ नहीं, लेकिन अब यही बेटियां तेरे इस काले कानून के खिलाफ तेरे हर जगह मैदान में उतर गई हैं। अब तो इन्हीं बेटियों से तेरा ही कानून बचा कर दिखा, अब तो इन्हीं बेटियों से तेरा ही कानून बचा कर दिखा। मोदी हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजिम है तो जंग ही सही, अगर जंग लाजिम है तो जंग ही सही। जो जालिम का साथ दे वो जुल्म के साथ है, जो हाफिल को न रोके वो हसल के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं, हक पते याब हो कह दो उसे, जो लश्करे बातिल के साथ है। इस ढंग पे है जोर तो ढंग ही सही, इस ढंग पे है जोर तो ढंग ही सही। अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। ना घर की जंग है ना जमीनों की जंग है, ना घर की जंग है ना जमीनों की जंग है। ये जंग है वफा के उसूलों के वास्ते, ये जंग है वफा के उसूलों के वास्ते। जो कई जो खून शहीदों ने नजर किया है जमीन को, जो खून शहीदों ने नजर किया है जमीन को, वो खून है अमन के वास्ते। फूटे की सुबह अलम लहू रंग ही सही, फूटे की सुबह अलम लहू रंग ही सही। अगर जंग लाजिम है तो जंग ही सही। मुंसिफ इंसाफ की जबान बोलता है और जहाँ इंसाफ बोलता है वहाँ मखलूक खुदा खामोश रहती है, वहाँ मातम कभी नहीं होते, वहाँ एहतजाज के तूफान नहीं उठते, वहाँ लोग सड़कों पर नहीं आते। मगर मोदी जहाँ मुहाफिज चौकीदार ही लुटेरे बन जाए, जहाँ मकीनों से ही उनके मालिक के मसा होने का सबूत मांगा जाए। अरे मोदी जहाँ तलबों को लाठियों से पीटा जाए, जहाँ बेटियाँ महफूज न हो, वहाँ अमन कैसे मुमकिन होगा? वहाँ अमन कैसे मुमकिन होगा? वहाँ तवाम सड़कों पर आती है, वहाँ तवाम सड़कों पर आती है, धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं। लेकिन मेरे हमवतनों हौसला रखो, मसाइल कितने भी हो क़यामत तक रह नहीं सकते, ये ज़ालिम ज़ुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते। मसाइल कितने भी हो क़यामत तक रह नहीं सकते, ये ज़ालिम ज़ुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते। वो जिनका अज़्म है, वो जिनका अज़्म है हमको चैन से रहने नहीं देंगे, वो ये भी जान ले कि हम वो ये भी जान ले कि खुद ही सलामत रह नहीं सकते, वो ये भी जान ले कि खुद ही सलामत रह नहीं सकते। मैं माजी के औलाद लड़ते हुए इस जालिम हुकूमत को याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क को आजाद करवाने अंग्रेजों से जंग लड़े थे, अंग्रेजों से जंग लड़े थे, और हम तुम्हारे तसल्लुक से मुल्क को आजाद करवाने तुमसे जंग लड़ेंगे। दादा लड़े थे
थे वो। यही वजह है इन्होंने फांसी के तख्तों पर झूलना पसंद किया, लेकिन जब तो जहदे आजादी से फरार किया नहीं किया। चौकीदार ए चौकीदार पढ़ ले, आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हमारी आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है हमारी जुर्रतमंद माँ ने अपने बेटे को जंग के लिए उभारा था। बोले अम्मा मोहम्मद अली की, बोले अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा हिदाफत पे दे दो। वो हमारे ही कौम का गाजी था, वो हमारे ही कौम का मुजाहिद था, जिसने आखिरी सांस तक अपने वतन की आजादी की ख्वाहिश की थी। यहाँ तक के जब फिरंगियों ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी, उसने कहा था कुछ दो कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये है, कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये है, रख कोई जरा सी खाके वतन कफन में, रख कोई जरा सी खाके वतन कफन में। मुजाहिदे ने आजादी के वारिस और परचम बरदार है, और इस लिहाज से ये वतन हमारा भी है, मोदी जितना तेरा भी है उतना हमारा भी है। लिहाजा हमसे दस्तावेजात मांगने वाले चौकीदार कान खोल कर सुन ले, हम इस कानून के तहत मांगे जाने वाले दस्तावेजात हर किस पेश नहीं करेंगे। अगर चौकीदार तो ये ऐलान करता है कि कानून वापसी के लिए एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, हम इस इजलास से ये ऐलान करते हैं हम भी एहतजाज की राह से आधा इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं ऐसे जातियों और मुजाहिदीन से अपील करती हूँ कि वो अपनी इस तहरीक को मजीद मुरज्जम करेंगे और जालिम हुकूमत को ये बावर करवा दें कि फिरंगियों के सामने हम सरंगो नहीं हुए थे तो ये इरफानी टोली की क्या बसात है। मैं अपनी तहरीक शेर पर खत्म करती हूँ, सुतोने दार पे रखते चलो सरों के जरा, सुतोने दार पे रखते चलो सरों के जरा, जहाँ तक सुल्म के इख्तियारात चले, जहाँ तक सुल्म के इख्तियारात चले। प्यारी 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 अरे सीए ऐसे अरे हैना पीते अरे हैना पीते वो एमपी आते वो एमपी आते जन्म बजाते जन्म दबाते हम लेके रहे। अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हिम्मत और हौसला अता फरमाए कि हम इन हालात से डटकर मुकाबला कर सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। बातिन से दबने वाले आत्मा नहीं हम, सौ बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। रहेंगे एम पी आर से सी ए ए से